नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंकित पारक। मैं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही एक इफेक्टिव चीज के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है इनहेलर्स। सो इनहेलर क्या है? इनहेलर एक प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का एक पीस है। इस एल्यूमिनियम के कैनेस्टर के अंदर मेडिसिन होती है, और ये मेडिसिन वही मेडिसिन है जो हमारे सिरप्स में या टैबलेट्स में या नेब्यूलाइजर्स में होती है। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इनहेलर्स अपने आप में दवा देने का एक माध्यम है। दवा इसमें वही है जो बाकी चीजों में भी होती है, ये अपने आप में कोई मेडिसिन या दवा नहीं है। इनहेलर्स के फायदे क्या है? इनहेलर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर जो दवा है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और जब हम इस इनहेलर को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से जो मेडिसिन रिलीज होती है, ये जो मेडिसिन रिलीज होती है ये इस फॉर्म में रिलीज होती है कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और बच्चे की लंग्स के अंदर ये प्रॉपरली बहुत ही कम डोज में पहुंच जाती है, और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है मेडिसिन देने का। So, पहला फायदा यह है कि इसमें दवाई की डोजेस बहुत ही कम है। नेब्यूलाइजर से 5 times कम डोज है इनहेलर में, लंग्स में डीपली पहुंच जाती है। नेब्यूलाइजर से एटलीस्ट 10-15 times ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जबकि डोजेस इसके अंदर कम होती है। इसमें डोजेस इकट्ठी 120 या 200 डोजेस आती हैं, आपको बार बार इनहेलर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खत्म होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। इनहेलर को लेने में हार्डली 1/2 to 1 minute लगता है, एज कम्पेयर्ड नेबुलाइजर को लेने में 10-15 minutes लगते हैं। इसमें शोर भी नहीं होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, इसको मेंटेन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये छोटा सा डिवाइस है, बहुत ही पोर्टेबल है, हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, प्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो फाइनली इनहेलर्स उसी मेडिसिन को देने का एक ज्यादा अच्छा साइंटिफिक तरीका है, जो कि ज्यादा सेफ है, ज्यादा इफेक्टिव है, और मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में अब नेबुलाइजेशन बंद करके इनहेलर से ही बच्चों को दवा दी जाती है। तो जिन बच्चों को भी वीजन की या चेस्ट कंजेशन की रेकरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन बच्चों को एस्मा वाली प्रॉब्लम होती है, उनमें हमें दवा इनहेलर से ही देनी चाहिए, चाहे दवा वही हो सेम हो। इनहेलर्स दो ब्रॉड कैटेगरीज के आते हैं, एक प्रिवेंटिव इनहेलर्स होते हैं। इन प्रिवेंटिव इनहेलर्स में जो दवा होती है वो बेसिकली एक प्रिवेंटिव दवा होती है, और उसका फायदा तभी है अगर हम उसको डेली बेसिस में लेते हैं, और अगर हम उसको डेली बेसिस पे दवाई लेते हैं तो अंदर जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग एस्थमा के कारण होती है वो ठीक रहती है, बच्चा बिल्कुल अच्छा रहता है, उसे कोई खांसी नहीं रहेगी, उसको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, और बार बार जो एस्थमा के अटैक्स या फ्लेयर अप्स हो जाते हैं वो नहीं होंगे, तो बच्चा बिल्कुल 100% हेल्दी रहेगा, और इसके कोई भी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइंस ने इस पर 25 ईयर्स से रिसर्च किया हुआ है, और इसके नॉर्मल डोजेस पे कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जो दूसरी तरह के इनहेलर्स होते हैं उनको रिलीवर इनहेलर्स कहते हैं, और ये जो रिलीवर इनहेलर्स होते हैं ये सिर्फ उस वक्त देने की जरूरत पड़नी चाहिए जब बच्चे को कोई सिम्टम्स बढ़ जाए, लेकिन इन जनरल अगर प्रिवेंटिव इनहेलर्स रेगुलरली चल रहे हैं तो रिलीवर इनहेलर्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए या बहुत ही कम पड़नी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को चेस्ट कंजेशन या वीजिंग है या एस्मा जैसी दिक्कत है तो अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट से इनहेलर्स के बारे में जरूर डिस्कस करें, यही सही चॉइस है। सो से यस टू इनहेलर्स। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट अंकित पारक।